हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट OQAM देखेंगे जो कि आने वाली इंडियन बैंक पीओ और IBPS पीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड की ओर। पहला जो वर्ड है वो है एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड जो है इसका मीनिंग जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 है, आउटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट जो है इसका हम क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे क्या है। पहला है क्यूअर, सेकंड है इफेक्ट, थर्ड है किल्स, फोर्थ है अफेक्ट और पांचवा है 5 है बर्डन। अफ्लिक्ट का मतलब होता है अफेक्ट करना, किसी चीज़ को अफेक्ट करना, किसी बात को अफेक्ट करना। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है हमारा नंबर 4। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस लाना, ठीक। क्या होता है इसका मतलब, होता है चेंजेस लाना किसी बात में, किसी चीज़ में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का ही मीनिंग होता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन को ही इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट है नेलिंग। अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, कटिंग, नेल्स ऑफ फिंगर्स, कीप फिक्स, रिकॉग्नाइजिंग, कैप्चरिंग, अरेस्टिंग। अब नेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है अरेस्ट करना। नेल का मतलब होता है अरेस्ट करना, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑप्शन 5 नंबर है। अब इसमें जो वर्ड है डिफ़िकल्ट वो भी हम देख लेते हैं। जैसे थर्ड नंबर जो है रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज जो वर्ड है, रिकग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। बाकी तो कैप्चरिंग है, कटिंग, नेल्स ऑफ फिंगर्स है, की फिक्स है और कैप्चरिंग है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकोर्स। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, टर्न टू फॉर हेल्प, दूसरा है रिपीट, थर्ड है रिपील, फोर्थ है रिविजन, 5 है राइट। अब रिकोर्स जो है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हेल्प। इसका जो मीनिंग निकलता है उसका मतलब होता है हेल्प, यानी हमारा जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, टर्न टू फॉर हेल्प। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी हम देख लेते क्या है। जैसे कि वर्ड नंबर 3 जो है रिपील। अब रिपील जो है इसका मतलब होता है कैंसिल करना, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्ब्रॉयल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रॉयल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या है, मिक्सअप, वैनिश, इंटेंगल, सस्पेंडेड और इन्वॉल्व। अब एम्ब्रॉयल्ड जो है इसका मतलब होता है कॉरल, किसी कॉरल में पड़ना, तो इन्वॉल्व इन अ कॉरल। अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंटेंगल। इंटेंगल और एम्ब्रॉयल्ड एक ही सिनोनिम्स है एक दूसरे के। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है हम वो भी देख लेते क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया है दूसरा ऑप्शन में क्या है, वैनिश। यहाँ पर दिया है वैनिश। अब वैनिश का मतलब होता है डिसअपीयर होना, किसी चीज़, किसी बात को ही डिसअपीयर होना, उसे बोलते हैं वैनिश। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।